अमर उजाला के लिए मुजफ्फरनगर से मैं मदन बालियाना आपके साथ हूँ हम इस वक्त चोरावाला गांव में हैं इंटर कॉलेज में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं हमारे साथ हैं बसपा प्रत्याशी शाहनजर जी उनसे दिन भर के चुनाव के हाल पर हम बातचीत करेंगे शाहनजर जी कैसा रहा जी चुनाव सुबह से छः बजे से निकलने के बाद कहीं एजेंट बनाने में दिक्कत कहीं कुछ दिक्कत एक गांव ये चोरा वाला एक ऐसा है जहां यहां पे आने के बाद लोगों ने कहा कि जी हाँ यहां कोई दिक्कत नहीं हो रही जी और दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पुलिस वाले हर जगह हर कोने पे हर तिरहे पे बैठे बैरिकेडिंग लगा के और वे पर्चियाँ चेक कर रहे हैं पुलिस वालों की पर्ची चेक करने का सिर्फ़ एक ही मतलब है जी जी अगर है मुस्लिम जी तो उसमें कमी है वो वापस जाओ जी और अगर है कोई अपना जो है दूसरे हिंदू समुदाय से है या फिर जो है मिथिलेश पाल जी की पर्ची पे पर फोटो है तो फिर तो वो तो जा रहा है जी। लेकिन यहाँ चोरों वाले में तो नहीं खैर योग यो बात अभी आई बाहर बैरिकेडिंग पे जाने के बाद पता लगेगा वहाँ क्या दिक्कत है अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है जी। एक गांव मीरापुर कस्बा मीरापुर कस्बा मीरापुर में जो है बैरिकेडिंग लगा दी जो है 6 सौ पाँच पाँच सौ मीटर दूर और चारों तरफ जो है बुद्ध स्थलों के लगा दिया वहाँ से कोई भी मुस्लिम को दो घंटे तक जाने नहीं दिया जी ककर में जब हंगामा होने लगा जी कप्तान साहब खुद आए आने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ से जो है पथरा हो गया था जी हम खुद मौके पर पहुंचे वहां पथराव हो, अगर होता तो सड़क पे दिखता पत्थर जी लेकिन सिर्फ दिक्कत और हंगामा जो भी था वो यही ही था कि बैरिकेडिंग लगा के बिल्कुल किसी तरह जाने नहीं दिया बारह हजार वोट वहां से थे स्थल सारे खाली रहे जी मेरा खुद का अपना गाँव कमेड़ा जी कमेड़े में ढाई घंटे जैसे मान लिया मेरा गाँव है कमेड़ा कमेड़े में लोगों का जो है अपना पर्सनल अटच है परिवार भी है और लोग भी है सब लोग वोट डाल ले तो वहाँ कुछ भीड़ रहेगी लाइन में उन्होंने देखते हुए उन्हें भीड़ को तितर बितर कर दिया ढाई घंटे तक लंच करा जी मैं सीहगिरी था जी जी सी से फोन आने लगे एक घंटा हो गया लंच नहीं खत्म हो रहा सीगिरी से फिर मैं कमेड़ा गया कमेड़ा जाने के बाद फिर डायरेक्ट वहाँ जाके देखा तो आधा घंटा तो जो है मुझे लग गया वहाँ लंच खुलवाने में जी जी तो ये जी। सब जो है प्री प्लानिंग है इनका जैसे पहले रामपुर में चुनाव हुआ था फिर लक्सर में चुनाव हुआ था ये चुनाव के नाम पर एक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटरों को जो है प्रताड़ित करना है और उन्हें डराना धमकाना है जिससे वोट डालने के लिए ना जा पाए सिर्फ आपके वोटरों को डरा धमका जा रहा है किसी भी पार्टी के देखो तो मैं तो ये कहता हूँ कि वोटर किसी का भी हो जी। लेकिन ज्यादातर जो डराना धमकाना है वो मुस्लिम वोटर को है जी। वोटर किसी का भी हो चाहे वो किसी के लिए भी वोट डालने जा रहा मुझे भी नहीं पता कि वो जो आदमी वोट डालने जा रहा है या मुसलमान के नाम पे उसे प्रताड़ित किया जाए तो वो गलत बात है जी जी। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ से भी खबर आ रही मुसलमान के खिलाफ ही आ रही जी 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 तो आप लोगों ने इसकी कई शिकायत की प्रत्याशी हमने हमने अपनी जो है पार्टी के पदाधिकारियों को बताया उन्होंने जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बाकायदा लिखित में शिकायत करी है एस डी साहब को हमने 20 दफ़े फ़ोन करा एस डी साहब ने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है उनका नंबर आप भी मिला के देख सको उनका नंबर स्विच ऑफ है और जो जिसको भी हमने शिकायत करी उन्होंने कहा कि हम अभी समाधान कर रहे हैं और समाधान के नाम पर बताओ क्या होगा समाधान करेंगे कल को इतना जो चुनाव हो लेगा एक मेरा एजेंट जी ढांसरी गाँव से सिर्फ इतना था। अंदर उसको कहा के भाई ऐसा हमने नहीं करा। किसी को चाय पानी के लिए चाय पानी का इंतजाम करवा दो अंदर जो है पीटासीन अधिकारी जो अंदर बैठे ये चाय के लिए कह रहे उसको वहां से उठा के जी और पुलिस लेकर चले गए अभी तक उसका यो नहीं पता वो थाने में है पुलिस की गाड़ी में है किसी और चौकी में है कहा है नहीं जी तो ये कौन सी बात हुई जी जी अगर कोई एजेंट जब उस पर मोबाइल नहीं है और वो गेट स्थल के गेट पे अगर आ गया गेट से बाहर नहीं है और उसे वहीं से उठा के ले जा रहे जी जी तो ये सब जो है डराना धमकाना जो है ना ये सिर्फ बहु, बहुजन समाज पार्टी का या समाजवादी का नहीं है ये सब मुस्लिमों का है सब मुस्लिमों को डरा धमका रहे जिससे ये वोट न गिर सके और यहाँ से लोकदल की सीट निकल जाए और बीजेपी को फायदा रहे जी 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 तो जिस दिन से आपको टिकट मिला जी और आज तक जी क्या बहन जी साहब की बात हुई चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने आपने उन्हें कहा कि आ जाओ हमारे लिए प्रचार करो आपके बात देखिए ऐसा है हमने जिस दिन हमारा टिकट हुआ था उसी दिन बात होगी थी बात तो यह हुई थी कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जरूर आएंगे प्रचार करने के लिए लेकिन उसके बाद में बीच में भी बात हुई उन्होंने बात रखी हमने हमने बात रखी मगर बहन जी अगर कोई प्रोग्राम लगता है तो जो इधर आ जाइएगा तो उत्तराखंड साइड में उधर उस नहीं, उसमें झारखंड साइड में उधर चुनाव हो रहे हैं दो-तीन स्टेट में तो आकाश भाई भी वहीं लगे हुए हैं और बहन है। जी भी लगी हुई है सत्रह तारीख में हमारी बड़ी सभा होनी थी आकाश जी की जी। तो पंद्रह तारीख से हमने जो है परमिशन के लिए अप्लाई कर रखा था हमारी सत्रह तारीख की जो है परमिशन नहीं करी जब परमिशन रद्द हो गई तब जाके जो है आकाश जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया आकाश जी की सत्रह तारीख की सभा जो है मोड़ ने रख रखी थी हमने मैदान वैदान का सब कुछ इंतजाम कर रखा था एप्लीकेशन लगा रखी थी उसके लिए परमिशन की नहीं हो पाई फिर हमारा अट्ठारह तारीख में रोड शो था रोड शो के लिए हमने लाख जतन करे जी मैंने बात हो रही थी के जी हो जाएगी हो जाएगी जिस दिन रोड शो था अठारह तारीख में जब एक बज गया जी और परमिशन नहीं हुई हमने फिर जो है बात करी लखनऊ लखनऊ बात करने के बाद में हमारे जो है मेवालाल गौतम जी है उन्होंने चुनाव आयोग में बात रखी तो जब उन्होंने डायरेक्ट जो है दस मिनट के अंदर अंदर परमिशन करके दी और हमें सिर्फ रोड शो का भी दो ढाई घंटे का टाइम मिला जी तो ये ये कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को टारगेट करने का, का काम कर रहे हैं जी 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 चौरावाला से हमारे साथ थे बसपा प्रत्याशी शाहनजर जी अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें